अपना बेस्ट परमेश्वर को दो, अपना बेस्ट परमेश्वर को दो। आज मैं 100% परफेक्ट हूं, बॉडी में स्पिरिट में मैं हो रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ परमेश्वर के वचनों पे यकीन करना। मैं जानता हूं परमेश्वर आपको जो भी देगा वो आपको ऐसे ही नहीं देगा, वो आपको परख के देगा, आपको चेक करके देगा, कंडीशंस के साथ आपको देगा। नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे और उसका मूल्य नहीं जानोगे कि आपने वो चीजें कैसे पाई। अगर आप खड़े रहे, कुछ भी आपके रास्ते में हो जाए, अगर आप खड़े रहे, आपकी गवाही मोस्ट स्ट्रॉन्ग होगी आपके परिवारों में। हालेलुया। तब आप समझ जाएंगे कि आपका चुनाव परमेश्वर के द्वारा हुआ है। हर एक व्यक्ति को अलग स्टोरी से परमेश्वर ने चुना है। बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। लिखा वो बीमार को चुनता है, उसे इतना अच्छा और चंगा बनाता है कि लोग समझ जाएं कि ये परमेश्वर ही कर सकता था, कोई डॉक्टर कोई इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। आज जब परमेश्वर ब्लू फिल्म देखने से मना करते हैं, हम मना नहीं, नहीं, हमने वो भी करना है जी, काम अपना और मसा भी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने उसकी उसकी मां से कहा दाख नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है। अब अंगूर खाने में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है परमेश्वर आपसे बोले अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलना है 3 महीने। वो आपको बोले कि जो तेरे पास है जब वो दे परमेश्वर के लिए। वो आपसे कुछ भी बोलने के लिए कैसा था, आपको चेक करने के लिए कि आपके दिल में क्या है। परमेश्वर एक बात याद रखना, ना जल्दी मसा देता है और ना जल्दी कलीसिया देता है। वो चेक करता है आपको, आपकी लाइफ, आपकी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आशीष गवाही देने से पहले। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, आपको प्राइस भी वैसा पे करना। साइकिल 3000 रुपए से मारुति कार आएगी क्या? नहीं आ जाएगी। नहीं उतरा दिल देखोगे मारुति वाले कि ना दिल बहुत बढ़िया होगा क्या दिल से? फिर तो सबके पास कार होगी परसों, क्योंकि दिल से ले आएंगे सभी, क्योंकि आप सब बच्चे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको कुछ करना है, आपको मूल्य देना है, हाँ या ना, और उसका मूल्य पैसा नहीं है, उसका मूल्य सारा वचन है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए लिखा है। हालेलुया। ऐसे रास्ते परमेश्वर के रास्ते में ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे रास्ते ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ, सोचना पड़ेगा हाँ, अब मैं आगे चलूं या ना चलूं, और वहां आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल निर्धारित होगी आप किस ओर जाएंगे, कितना ऊंचा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा सैमसन को, तूने ये काम नहीं करना और ये नहीं करना, लेकिन वो सब कुछ वो करता गया और वो चीज चली गई, और उसे बाद में पता चला जो मैं कर रहा था वो अनुग्रह था परमेश्वर का, और तब तक ही वो रहता जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं में मैं बना रहता। आप इस रास्ते में अलग अलग प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन वो आपको टीच करने के लिए। आज जब लोगों की जिंदगी में निराशा आती है, कोई पाप की तरफ भागते हैं, कोई अपने आप को रिलैक्स करने के लिए काम भागते हैं, लेकिन कोई कोई है जो परमेश्वर की हजूरी में भागता है। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, वचन में लिखा कि जब मैं तेरी हजूरी में आया, जब मैंने अपने आप को तेरे पांव में रखा, तूने मुझे पूरी रीति के साथ निर्भय किया, निर्भय किया, मेरे मन में कोई डर ना रहा। आमीन। इस रास्ते में जो परमेश्वर का रास्ता है, अपनी आंखों से नहीं, अपने विश्वास के अनुसार चलो। जो बाइबल में लिखा है उसे पूरा करो। आपका दिल करता है या नहीं करता, कोई मायने नहीं करता। जो परमेश्वर कहता है उसे करो, जो पवित्र आत्मा आपको बोलता है उसे करो। आप देखेंगे अपने आप को फिर जाते हुए उन स्थान में जहां कोई नहीं जा पाया। अलग टाइम में आप अपने आप को देखेंगे। अगर आपका बिजनेस है, आप अलग टाइम में देखेंगे। जॉब है, सेवकाई, कोई भी हिस्सा जो आपके पास है, परमेश्वर क्या है? बोलो प्रेम। वो प्रेम नहीं जो फिल्मों में दिखता है, वो प्रेम जो पवित्रता ही वाला है। आमीन। नहीं, परमेश्वर कौन है? प्रेम। प्रेम का उल्टा क्या है? जलसी, नफरत, हाँ या ना?
अगर आप यूसुफ के भाइयों को देखो तो उसके भाई बोलते अच्छा आई तेन दंडवत करांगे, कभी भी नहीं, और इसी चक्कर में उसे बेच दिया, हाँ या ना। पर ये भूल गए कि अगर वो तारा है तो हम भी क्या है, दर्शन में हमें भी क्या दिखाया गया, तारे अपनी आशीष भूल गए, क्यों थोड़ी है तो उससे थोड़ी है, पर ये भूल गए कि तारे हम दुनिया से अलग हैं, हम सभी तारे हैं, वो शायद बड़ा तारा है, ये परमेश्वर का चुनाव है, ये बात भूल गए जेलसी की और अपना वो भी स्थान गवा दिया। हालेलुया, जेलसी, जब जेलसी की बात की मुझे इधर आना पड़ा है, कितने समझ रहे हैं, मुझे इधर आना पड़ता है करीब करीब। हालेलुया, हवा ने पाप किया, औरत को क्या किया, शर्मिंदा कर दिया, और परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि तेरे वंश से, दोनों के वंश से नहीं, तेरे, अगर परमेश्वर ने दोनों आदमी इंसान दोनों को बोला होता तो परमेश्वर बोलते तुम्हारे वंश से मैं एक बेटा पैदा करूंगा जो शैतान को कुचलेगा, उसकी उसके सिर को कुचलेगा, लेकिन परमेश्वर ने औरत को कहा तेरे वंश से, यानी एक कुंवारी गर्भवती होगी। मूसा की मां ने मूसा को छुड़ाने वाले को जन्म दिया, आप भी जन्म देंगे अपने 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 छुटकारे को यीशु मसीह के नाम में। अगर जब आप समझ जाएंगे आप है कौन, आप समझ जाएंगे आप है कौन, फिर आपको किसी के जलसी करने की जरूरत नहीं, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं, वो ऊंचा जा रहे हैं, आप भी जानते हैं आप अलग ऊंचा जा रहे हैं, वो अलग ऊंचा जा रहे हैं, आप अलग है वो अलग है, आप जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे, आमीन। फिर आप समझ जाएंगे परमेश्वर ने आपको बुलाया अलग अलग रीति के साथ, आपको जलसी करने की, एक दूसरे के साथ दूसरे को मिलान करने की, अपने आप को चेक करने की, कंपेयर करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने औरत को क्यों चुना आप जानते हैं, औरत की शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए उसने मरियम को चुना जो कुंवारी ने गर्भवतियों को जन्म दिया, इसलिए परमेश्वर आज औरतों को भी ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, अगर आज आप परमेश्वर के भवन में तो ये बात सुन लो, आपका छुटकारा आपका पेट आपका आत्मा पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपका अपना छुटकारा आपका पेट पैदा करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर से परमेश्वर ने कहा तेरे इनर मैन से, तेरी बेली से, तेरे पेट से, तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी, आप अपने छुटकारे का कारण खुद होगी यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती जो असली औरत है उसका पति उसके पे घमंड करता है, मैं आपको बता रहा हूं वो प्रोवर्ब्स वो नीति वचन 31 वाली औरतें आप होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आप फैसला कर लें मैं विश्वास से चलूंगा। विश्वास से चलना अगर आसान होता तो यीशु मसीह बोलते इस रास्ते में बहुत चलेंगे और बहुत सारे पा जाएंगे, परमेश्वर ने कहा मेरे रास्ते में बहुत चलेंगे लेकिन कम है जो पार पा जाएंगे। शुरुआत बहुत लोगों ने की, अंत सबने नहीं किया, शुरुआत बहुत से लोगों ने अच्छी की है, अंत लोगों ने अच्छा नहीं किया। हमारी कोई एग्जाम्पल ना देने पाएगा नेगेटिव रीति से यीशु मसीह के नाम में, हमने शुरुआत अच्छी की है एंड भी अच्छा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको यह बात आज समझनी है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा, विश्वास से हनोक उठा लिया गया, विश्वास से लिखा अब्राहम ने अपनी बॉडी को मरा हुआ जानकर भी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा पाया जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी। हालेलुया, आपको फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आपके अंदर से छुटकारा पैदा होगा मूसा की मां की तरह और मरियम की तरह यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आप खुद अपने आप को छुड़ाने वाले बन जाएंगे, जब आप समझ जाएंगे आप है कौन। शैतान आपको वो दिखाता है जो आप नहीं, वो आपको कमजोर दिखाता है, पापी दिखाता है, गिल्टी दिखाता है आपको, और परमेश्वर जब आप वचन पढ़ते हैं, आप जानते हैं बाइबल एक शीशा है, आप मेकअप कर सकते हैं बिना शीशे से, हाँ या ना, आप बाइबल के बिना अपने आप को सुंदर नहीं बना सकते स्पिरिचुअली। आप जैसे ही बाइबल खोलते हैं ये शीशा है, ये दिखाते हैं आप कहां पहुंचे, आप कौन है, और जैसे जैसे आप समझते जाते हैं आप कौन है, वैसा वैसा आपकी लाइफ वैसे वैसे आशीषित और हल्की होती जाती है, स्ट्रेस में डिप्रेशन में और बढ़ती जाती है परमेश्वर की ब्लेसिंग। आप जैसे समझ, आप जैसे बाइबल खोलते जाते हैं आप पढ़ते जाते हैं आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं अंश अंश करके तुझे बदलूंगा परमेश्वर के स्वरूप में। हालेलुया, तारीफ करो सब जन परमेश्वर की, आमीन।
आप जानते हैं मैं हर वीरवार हर संडे मीटिंग करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि एक आप वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, सुनते जाते हैं और वही वचन विश्वास पैदा करता है। ऐसी क्या बात थी हाबिल में जो परमेश्वर ने कहा कि तूने विश्वास से भेंट चढ़ाई? विश्वास का मतलब वचन को पूरा करने के द्वारा तूने भेंट चढ़ाई। अगर वचन में लिखा था भेड़ लेके आनी तो तू खीरे नहीं लेके, टमाटर नहीं लेके आया, तू 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 चावल नहीं लेके आया, तूने वही भेंट चढ़ाई जो मैंने तुझे कहा था। तूने विश्वास के द्वारा उस कर्म को पूरा किया। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है कि आपको विश्वास के द्वारा चलना है, और जब आप विश्वास के द्वारा चलेंगे आप सैमसन की मम्मी की तरह बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम है अंगूर अंगूर खाने में? सब खाते हैं और परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है, सब खा रहे हैं और परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है, मैं क्यों ना खाऊं? आपको अलग चुना गया है। अगर आप उसकी आवाज को सुन पाए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, आपको अलग चुना गया है। मत कहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों है या मेरे साथ वैसा क्यों है, मैं ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। अगर आज जब मैं क्वेश्चन पूछता तो आज यहां ना होता। आज जब मिनिस्ट्री में हीलिंग फ्लो करती, परमेश्वर के काम होते, लोग बचते, रूहें बचती, तो हम जानते हैं परमेश्वर ये काम कर रहा है अपने अनुग्रह से। आमीन। हम अनुग्रह के द्वारा चुने गए, नहीं तो कोई भी प्रचार करके कोई भी रोजे रखता और बोलता कि मेरे प्रचार और रोजों और मेहनत से परमेश्वर काम करता। पहले चुनाव, फिर रोजे, फिर प्रेयर। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाबिल ने कैसे चढ़ाया था? विश्वास से। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास से, ऊंची आवाज में। आमीन। और विश्वास कैसे? विश्वास परमेश्वर कभी भी दिमागी बात नहीं करता, जो आप समझते हैं दिमागी अकेली हवा में। विश्वास के मतलब विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों का। इसका मतलब उसने कुछ वचन सुने थे भेंट के प्रति और उसने उन वचनों को कंप्लीटली फॉलो किया और परमेश्वर ने कहा तूने विश्वास से चढ़ाया। और कैन ये सोचता था कि हां परमेश्वर को भेंट चाहिए, मैं लेके जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसने वो बोला तो मैं ये लेके जा रहा हूं, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया और वो हैरान हो गया कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया। हालेलुया। अगर बाइबल को टाइम देंगे तो परमेश्वर हमें जरूर टाइम देगा। लिखा अगर विधवा का न्याय अधर्मी पापी कर सकता तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आमीन।